दोस्तों, दुनिया का हर मनुष्य सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता के लिए वांछित कष्ट सहना कोई भी नहीं चाहता है। यह सत्य है कि जब तक हम सफलता के लिए जरूरी कष्ट नहीं सहेंगे, तब तक हमारे सफलता के चांसेस बहुत ही ब्लर होंगे। यदि हमें चाहे हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी हो, लेकिन वह हमारे एक कदम से ही चालू होगी। इसी प्रकार से सफलता चाहे कितनी भी दूर हो, हमारी मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, लेकिन हमें स्टार्ट तो करना पड़ेगा पहले ही कदम से। बहुत सारे लोग यह सोच करके कभी स्टार्ट ही नहीं करते हैं कि ये तो मंजिल बहुत दूर है, जिसमें से कई लोग जो स्टार्ट करते हैं, चाहे मंजिल कितना भी दूर क्यों ना हो, वो अपनी मंजिल तक अवश्य रूप से ही पहुंच जाते हैं। कई लोग अनुशासन की कमी के कारण पूरा टैलेंट होते हुए भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आज तक कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ तब तक हासिल नहीं की जा सकी जब तक उसमें अनुशासन शामिल ना रहा हो। इसीलिए यदि आपको कुछ भी हासिल करना है, तो आपको कष्ट के साथ साथ अनुशासन में रहना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। इसी क्रम में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक मंदिर में एक मूर्ति की स्थापना करनी थी। लोग एक मूर्तिकार के पास गए और बोले कि आप एक पत्थर की मूर्ति बना दो, उसको हम इस मंदिर में स्थापित करेंगे। मूर्तिकार पहाड़ की चोटी पे गया और वहाँ से दो पत्थर लेके आया। जब वह पहले पत्थर को तराशना चालू किया, तो पहले पत्थर से रोने की और चीखने की आवाज़ आई कि मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है, मुझे मत काटो, प्लीज़ मुझे मत काटो। तो उस मूर्तिकार को मजबूरन पत्थर को छोड़ना पड़ गया और उसने उस पत्थर को वहीं पे फेंक दिया। उसने दूसरे पत्थर को तराशना चालू किया। दूसरे पत्थर ने भी कहा कि दर्द तो मुझे भी बहुत हो रहा है, लेकिन आप मुझे तराश दो जिससे मैं मूर्ति बन जाऊं। मूर्तिकार उसको तराशता रहा। लास्ट में जब वह मूर्ति बन गई, तो उसको वहीं मंदिर में स्थापित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप लोग उस मंदिर में आते, उस पत्थर की मूर्ति के सामने दूध चढ़ाते, जल चढ़ाते, फूल चढ़ाते, अपना मस्तक झुकाते, और जो नारियल था उसको, जो पास में दूसरा पत्थर फेंका गया था, उसके ऊपर नारियल फोड़ते। इस प्रकार वह पत्थर जिसके ऊपर नारियल फोड़ा जा रहा था, वह हमेशा इस बात के लिए पश्चाताप करता था कि काश मैंने भी पहले कष्ट सह लिया होता, तो जो है मैं ही आज मंदिर के अंदर मूर्ति बनके रहता। और यह पछतावा उसे जीवन भर रहा, क्योंकि अन्य लोग जो वहाँ दर्शन करने के लिए आते थे मंदिर में, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये भी मूर्ति बन सकता है। उनके लिए तो एक वह नाम मात्र का पत्थर ही था। इसलिए जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, उसका आप उपयोग करें, क्योंकि नहीं तो वही अपॉर्चुनिटी किसी अन्य के सामने जाएगी और वह उसका उपयोग करेगा। आप देखते रह जाएंगे कि यह अपॉर्चुनिटी तो सबसे पहले मेरे पास आई थी। इस तरीके से जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी आए, उसका उपयोग करें। और सफल होने के लिए त्याग तो करना ही पड़ता है, यही सफलता का मूल मंत्र है। जब हम सफल हो जाते हैं, तो हमने सफलता के लिए कितने कष्ट उठाए हैं, उस सफलता की आनंद में वो कष्ट हम भूल जाते हैं। यही आज के दिन का मेरा आप सभी दोस्तों के लिए मेरा संदेश है, शुभकामना है, और आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं प्रार्थना करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ।